अभी अच्छे से बीट हो गई है। अब हम लोग इसमें क्रीम चीज़ मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लिया। अब हम लोग अपना टिन निकालेंगे फ्रिज में से, उसमें ये सेट करेंगे अच्छे से। आप चाहें तो स्पून की वजह मदद से भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे, करीब ओवरनाइट तक फ्रिज में रख देंगे। और फिर मैंने ये सुबह खोला था। ये अच्छे से हमारा चीज़ केक रेडी हो गया है। देखिए कितने इजी से कट रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए।